तिरुपति बालाजी विवाद लड्डू विवाद के बाद मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंदिर के प्रसाद पर चूहे रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई पैकेट तो चूहे ने काटकर बर्बाद भी कर दिए। वायरल हुए इस वीडियो में प्रसाद के पैकेट के ऊपर चूहे के छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि ये वीडियो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर का है। प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर जब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगीं तो मंदिर प्रशासन को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद शुद्धता पर लोग सवाल उठा रहे हैं। मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल किए जाने वाले घी में पशुओं की चर्बी और मछली के तेल पाए जाने के बाद कई मंदिरों के प्रसाद की जाँच भी हम देख रहे हैं देश भर में हो रही है। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर देश भर के सबसे प्रख्यात गणेश मंदिरों में से एक है। यहाँ गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मुंबई में स्थित इस मंदिर में आम से लेकर खास लोगों का अटूट विश्वास है। हमारी संवाददाता वैशाली कदम सिद्धिविनायक मंदिर पहुँची और इस मामले में ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी सच्चाई भी जानने की कोशिश की और साथ ही मंदिर में किस तरीके से प्रसाद तैयार किया जाता है और मंदिर प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात की। लेकर जो विवाद शुरू हुआ उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हुआ था और ये बताया जा रहा था उस कथित वीडियो में कि ये सिद्धिविनायक का मंदिर का प्रसाद है जहां पर कुछ चूहे के बच्चे उस ट्रे में पाए गए, जिसके बाद एक हड़कंप मच गई। सच क्या है ये जानने के लिए हम यहां पर आर्थम के हैं, जहां पर मंदिर है, जहां पर प्रसाद बनाया जाता है। सिद्धिविनायक मंदिर के इस महाप्रसाद विभाग में हम आए और हमें ये लड्डू कैसे बनते हैं, किस तरीके से पैकेजिंग इसकी होती है, कैसे आम भक्तों तक पहुंचते हैं, ये बताने के लिए खुद यहाँ के उप कार्यकारी अधिकारी संदीप राठौर जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और हमको समय देने के लिए, और हम इस पर रोशनी डालना चाहते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। जब ये बात आपको पता चली संदीप जी, आपका क्या रिएक्शन है? हम ऐसे बताना चाहेंगे भाविकों को कि यहाँ पे जो लाड़ू बनता है तो ये लाड़ू नहीं हम इसको मानते, हम इसको प्रसाद मानते हैं और ये भाविकों की आस्था का विषय है और आरोग्य का भी विषय है। इसलिए जो जो रिक्वायरमेंट रहता है वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्वच्छ से स्वच्छ और अच्छे से अच्छे लाड़ू बने। इसके लिए हम लाड़ू के लिए जो इन्ग्रीडियंट यूज किए जाते हैं जैसे बेसन, घी रहता है, काजू रहता है, वेलची रहता है, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हम BMC का जो लैब है वहाँ पे पहले टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और वो टेस्टिंग का रिपोर्ट आने के बाद में फिर इस इंग्रेडिएंट से जो रॉ प्रोडक्ट बनता है उससे हम लाड़ू बनाते हैं। उसके बाद में जो पैकेजिंग होता है जिसमें पैक किया जाता है वो पैकेजिंग मटेरियल भी हम लैब को टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, उसके बाद ही उसमें वो पैकेजिंग किया जाता है। दिन भर में लगभग 8 बजे से लेकर 6 बजे तक एक 40,000 से 50,000 तक के लाड़ू बनते हैं। अभी यहाँ पे जगह का भी थोड़ा कमी है इसलिए हम उतने ही क्वांटिटी में बना सकते हैं, लेकिन ये जो लाड़ू है वो एक दिन में ख़त्म हो जाती है, इतनी लोगों की डिमांड रहती है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे स्टोर करके भी नहीं रखते, मीन्स आज जो लाड़ू बनाए जाएंगे वो कल तक ख़त्म हो जाएंगे। तो लाड़ू जो बनाए जाते हैं पूरी हम प्रिकॉशन लेके ही बनाए जाते हैं। वो जो वीडियो आया उसको आपने देखा होगा, क्या कहेंगे? वो कल का जो वीडियो हमने देखा वो देख के हम थोड़ा शॉक हो गए, क्योंकि 2 दिन पहले तिरुपति के धरती पर कुछ मीडिया चैनल्स भी यहाँ पे आए थे तो हमने इनवाइट किया कि आप खुद देखिए यहाँ पे किस तरह से लाड़ू बनाए जाते थे। लेकिन उसके बाद कल का जो वीडियो है वो देख के सिर्फ ट्रे ब्लू है, लड्डू के पैकेट्स पिंक है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि ये इसी प्रीमाइसिस का है। फिर भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे अध्यक्ष जी ने आयोजित की थी और कार्यकारी मैडम भी वहाँ पर थी, कार्यकारी अधिकारी मैडम, उन्होंने कहा है कि जो कुछ होगा उसकी जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी देख के तो ये लग रहा है कि ये यहाँ का नहीं है। तो यहाँ के जो डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं संदीप राठौर जी, उनका ये कहना है कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है, वो जो लड्डू है, वो जो ट्रे है, वो इस प्रीमाइसिस का, वो इस सिद्धिविनायक मंदिर न्यास का नहीं है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर हम अंदर जाके देखें कि लड्डू बनता कैसे है और किस तरीके से इसकी पैकेजिंग की जाती है। ये रॉ मटेरियल बनने के बाद में ये ट्रे में सब लेके
यहाँ पे सब वो सुखाया वगैरह जाता है, और फिर ये जो मशीन आपको दिख रहा है तो उस मशीन में पैकेजिंग किया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम मैन्युअली इसमें हैंडलिंग हो, इसके कारण उसका लाइफ बढ़ जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आप जो नीचे की जगह है वो सब क्लीन है, और जो वीडियो में आप देख रहे थे ब्लू क्रेट वैसा भी हुआ, लेकिन वो जो आप ठीक से देखोगे तो वो ख़राब तरीके से वो दिखाया गया है। मीन्स थोड़ा ठीक से आप देखोगे तो थोड़ा मैनिपुलेशन भी किया करके वो दिखाया गया ऐसे लग रहा है, लेकिन इसकी जो कुछ जांच करने के बाद जो कुछ सामने आएगा वो हिसाब से मंदिर प्रशासन की तरफ से कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे मामले पर मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया गया है, क्या जांच? अभी एक प्रोसेस शुरू होगा। अभी अध्यक्ष जी ने सुबह बताया कि डीसीपी लेवल के जो अधिकारी है उनको अपॉइंट करके एक कमेटी का गठन किया जाएगा, और फिर कमेटी के गठन के बाद जो कुछ चीज़ें सामने आती है वो हिसाब से फिर अगली कार्रवाई की जाएगी। उस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सारे रिएक्शंस आए थे, पूरे महाराष्ट्र भर से रिएक्शंस आए थे, और उसके बाद आज मंदिर के तरफ से भी ये कहा गया है कि एक समिति का गठन किया जाएगा, उसमें इंक्वायरी होगी, इसकी डीपली इंक्वायरी की जाएगी, जांच की जाएगी, और उसका रिपोर्ट भी जल्दी से जल्दी सबमिट किया जाएगा। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं वृषाली कदम, इंडिया न्यूज़ के लिए।